नमस्कार डॉक्टर महेश शर्मा जी जो कैलाश हॉस्पिटल के मालिक हैं, उन्होंने उस दिन मुझे मैं वीना चड्डा और मेरे हस्बैंड रमेश कुमार चड्डा, मैं इनके ट्रीटमेंट के लिए पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं इनको यूरिन का बैग लगा हुआ था और उसमें कम से कम रात और दिन 24 आवर्स इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। और जैसे ही हम कैजुअल्टी में आए और वहाँ हमें डॉक्टर राणा आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप मैडम टेंशन मत करो, अंकल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर राणा और डॉक्टर मनीष के ट्रीटमेंट में हम 6 महीने से चल रहे हैं, डॉक्टर घटानी इन तीनों के ट्रीटमेंट से हम 6 महीने से चल रहे हैं और इन तीनों ने मिल के और इनको मेरे हस्बैंड को रमेश कुमार चड्डा इनको बिल्कुल ठीक कर दिया है। और अब मैं इस कंडीशन में आई थी कि इनके 24 घंटे ब्लीडिंग हो रही थी और मैं इतनी टेंशन में थी और उन्होंने आधे पौने घंटे में जो है ना ट्रीटमेंट करके और हमारा इलाज किया और यूरिन का जो ब्लड बंद हो गया और जो यूरिन जो है साफ आना शुरू हो गया। हम 3 दिन हो गए हैं यहीं पर हैं और हम बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। मैंने स्पेशली बोला कि डॉक्टर महेश को बोलना कि हम जो है ना दोबारा से हम फिर ठीक होके जा रहे हैं, उनको जो है ना मैसेज देना। और सबसे बढ़िया ये है कि आपको पूरा स्टाफ छोटे से लेकर बड़े तक हर सब कोई इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, प्यार मिलता है, जैसा भी है वो सब अच्छे से बढ़िया होता है। तो इसके लिए मैं आपका हमेशा के लिए जो है ना आभारी रहूँगी। सबसे मुझे खुशी ये है कि आप इतने बड़े इंसान होके और आपने उस दिन मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई और मतलब मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं इतनी खुश हूँ कि जब तक जीऊँगी ये पल मैं हमेशा याद रखूँगी। और सबका छोटे बड़े सबका धन्यवाद है। और ये जो हमारा जमुनापार का हॉस्पिटल है ना, वो दीपक कैलाश वाला जो है CGHS पैनल में स्टार्ट करा दीजिए ताकि हमें कोई टेंशन नहीं होती। हमें ऐसे लगता है हम घर से उठ के दूसरे घर में आए हैं और वापसी फिर ठीक होके हम अपना वापस जाते हैं, ठीक होके जाते हैं, तो हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम हॉस्पिटल में आए हैं। हमें ये लगता है कि हम अपने घर में जा रहे हैं और अपने घर से वापस आएंगे। इसके लिए सर अगर वो जितनी जल्दी हो सके आप शुरू करवा दो तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेरे हस्बैंड को 1 जून को ब्रेन का अटैक पड़ा था, तो 4-5 दिन तक हमें पता नहीं चला कि ब्रेन का अटैक है। जैसे ही हम यहाँ आए तो डॉक्टर मनीष ने हमें जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और हम 1 महीने तक यहाँ रहे थे, पूरा 1 महीना प्राइवेट वार्ड में। लेकिन डॉक्टर मनीष ने बोला था कि आंटी आप टेंशन मत करो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था लेकिन उन्होंने 1 महीने के अंदर पेशेंट को खड़ा कर दिया था। और यहाँ से जब हम गए हैं तो हम 6 महीने तक बिल्कुल ठीक रहे थे। यूरिन बैग लगा हुआ था, वो डॉक्टर साहब 1 महीने में आते थे, हम उनको यूरिन बैग जो है ना कहीं और से नहीं चेंज कराते थे, हम यहीं से चेंज कराते थे। वो क्या हुआ कि कुछ हमारी ही परेशानी की वजह से पेशेंट को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है, उसकी वजह से परेशानी हुई। लेकिन मैं जब यहाँ आई तो कम से कम 1.5-2 घंटा लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा, उतने में ही जो है ना सारा ब्लड बंद हो गया और यूरिन जो है साफ आना शुरू हो गया। मैं डॉक्टर राणा का इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं हमारे लिए और हमेशा हम ठीक होके जाते हैं। ये सबसे मेरा पहला पॉइंट है, हम जब भी आते हैं यहाँ हम हमेशा ठीक होके जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम को और डॉक्टर महेश शर्मा जी को और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से बिल्कुल हम ठीक होके यहाँ से जा रहे हैं आज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।